स्कूलों कॉलेजों में मनाया गया शिक्षक दिवस, छात्रों ने अपने गुरुओं का किया सम्मान। पूर्व राष्ट्रपति व प्रख्यात शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा लगातार जीवंत है। पुराने समय में विद्यार्थी अपने गुरुओं के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, तो आधुनिक समय में स्कूलों और कॉलेजों में पुराने गुरुकुल वर्तमान में विद्यालय में बदल गए हैं। परंतु अगर इन सब के बाद भी कुछ नहीं बदला तो वह है शिक्षक और विद्यार्थी। किसी भी विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शिक्षक ही उसके जीवन से अज्ञानता को हटाकर ज्ञान का प्रकाश जलाता है, जिससे कि वो अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। दुनिया में केवल शिक्षक ही होते हैं जो एक जगह पर रहकर अपने विद्यार्थियों के आगे बढ़ने की कामना करते हैं। इसी गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसके अवसर पर शहर के सभी स्कूल कॉलेजों में छात्रों के द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया तथा जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। आज शिक्षक दिवस के रूप में विद्यालय के सभी छात्र अपनी अपनी कक्षा में शिक्षकों को बुला के साथ में उनको बुला शिक्षक दिवस के मना रहे हैं, केक काट रहे हैं। राधा कृष्ण के जन्मदिन पर ये शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आप लोगों ने शिक्षकों का सम्मान करके पुरानी मिसाल को कायम किया है। इस शिक्षक दिवस में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने शिक्षकों के सम्मान के लिए आज का दिन अपने जन्मदिन दिवस को शिक्षक दिवस के रूप मनाने का स्वीकृति दी थी। आज शिक्षक दिवस है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग शिक्षक दिवस जोर शोर से मना रहे हैं। हमारे यहाँ काफ़ी समय से ये एक परिपाटी रही है कि हम सभी शिक्षकों को उनका ऑनर करते हैं, कुछ न कुछ एक अच्छा गिफ्ट उनको दे करके। इस वर्ष भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, बच्चों के भाषण प्रतियोगिताएं हैं और साथ ही सभी शिक्षकों को सम्मान देना, गिफ्ट देना हम मनाते हैं पूरे देश में। अब तो विदेशों में भी, जहां पर हमारे भारतीय स्कूल हैं, वहां भी ये शिक्षक दिवस का आयोजन होता है। ये केवल इसलिए नहीं कि हम हमारे परम आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हों, बल्कि इसलिए भी कि हमें शिक्षा को और शिक्षण को महत्व देना है।